हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं आयशा मोटर्स के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 25 नवंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, ये चार्ट मैंने अपने जीरोधा के अकाउंट से ओपन किया है। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में जीरोधा की और अपस्टॉक्स दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहां से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो वो स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं सबसे पहले आयशा मोटर में आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन आयशा मोटर में 2.39% का यहाँ पे हमें नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है। तो यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 2536.95 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो डाउनसाइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक में बनता है जरूर जो उसको यहाँ पे मार्क करके बताएंगे और उसको किस तरह से जो आपको अपने ट्रेडिंग टाइम पे यहाँ पे यूज करना जरूर आपको समझाएंगे। बाकी आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे और आने वाले दिनों का जो आपको छोटा सा एंड भी यहाँ पे दे देंगे। तो चलिए अब जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट में। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया, अगर मैं बात करें यहाँ पे वन डे के चार्ट में वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे आप देख सकते बहुत ही लो वॉल्यूम है, लेकिन कैंडल अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे कैंडल जो है यहाँ पे मैं कहूँगा मीडियम साइज की कैंडल हमें बनती हुई देखने मिली है। मतलब यहाँ पे आज के दिन बायर्स जो थे वो बहुत ही कम थे, सेलर्स बहुत ही ज़्यादा थे और मार्केट प्राइस में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी खासी जो है आप देख सकते सेलिंग हुई थी। तो यहाँ पे क्या अब यहाँ पे और भी जो है ऐसा डाउनसाइड आ सकता है। तो अगर हम बात करें आरएसआई की, आरएसआई यहाँ पे 38-39 के आसपास मतलब ओवरसोल्ड एरिया में ऐसा लगता है यहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है। इवन दो आरएसआई करंटली अभी हमें जरूर एक अपसाइड का छोटा सा अपसाइड मोमेंट का जो इशारा देता है, लेकिन याद रखे आरएसआई हो या फिर कोई और इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे पूरा भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मोमेंट देते हैं, हमें जो है उसे जरूर कंसिडर करना चाहिए जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करें तब। बाकी यहाँ पे आपको मैं बता दूं मेरा क्या ओपिनियन बनता है इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए। तो आने वाले दिनों में करंटली ये स्टॉक जो है मेरे लिए अभी तो है यहाँ पे नेगेटिव ही चल रहा है। याद रखे हमने नवंबर का आयशा मोटर के ऊपर जो है मंथली का यहाँ पे एक एनालाइज किया था, उसे जरूर देखना। वहां पे हमने प्लेलिस्ट एक बनाई है नवंबर मंथली एनालाइज की, वहां पे उसमें जो है आयशा मोटर है तो उसको जरूर देखे ताकि यहाँ पे आपको समझे कि किस तरह से आज ये मंथ में जो है आपको मूवमेंट जो है इस तरह से देखने मिल रही है। तो यहाँ पे जो है अभी करंटली जो है यहाँ पे स्टॉक जो है मेरे लिए अभी भी नेगेटिव है। ये स्टॉक जो है आपको और नीचे जाते हुए देखने मिल सकता है यहाँ पे, इवन दो 200 MA का जो यहाँ पे एक मैं कहूँगा जो सपोर्ट था उसको भी तोड़ते हुए नीचे गया है। इवन दो यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, लेकिन करंटली 20 MA अभी नीचे आ चुका है, 200 MA उसके ऊपर है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा थोड़ा सा आपको और डाउन साइड देखने मिल सकता है। डाउन साइड यहाँ पे कहाँ तक देखने मिल सकता है वो मैं आपको बता दूँ, 2400 तक आपको जाते हुए देखने ये स्टॉक मिल सकता है। बाकी 2450 से थोड़ा यहाँ पे आपको एक सपोर्ट देखने जरूर मिलेगा। आपको क्या लगता है स्टॉक में क्या हो सकता है आने वाले दिनों में हमें जरूर कमेंट करके बताना। और अगर आपने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो मैं कहूँगा अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो है बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोस मतलब 4 स्टॉक्स जो एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में जो स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा यहाँ पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए अब जाते हैं हमारे वन आर के चार्ट में और वहां पे देखते हैं क्या होने वाला है कल के दिन इस स्टॉक में। तो यहाँ पे हमारा 1 आवर का चार्ट जो हमने ऑलरेडी ओपन करके रख दिया है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 1 आवर के चार्ट में, तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है हमारे सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन हर एक चीज ऑलरेडी पुराने हमारे वीडियोस की जो है वो मार्किंग्स ऑलरेडी है। तो यहाँ पे मैं कहूँगा हमें कोई एक्स्ट्रा मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। इवन तो यहाँ पे एक डेटा हमें देखने मिल रहा है तो उसको मैं यहाँ पे जरूर मार्क कर लेता हूँ ताकि अगली बार अगर हम वीडियो बनाए उस रेंज में आए ये स्टॉक तो हमें जो है वापस वहाँ पे मार्किंग ना करना पड़े। तो यहाँ पे अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की। क्लोजिंग यहाँ पे आप देख सकते 2526 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग हुई है। डायरेक्ट सपोर्ट यहाँ पे बहुत ही पास में जो है यहाँ पे 2523 का। डायरेक्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं यहाँ पे 254 का यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमें देखने मिल रहा है। याद रखे डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। इसका मतलब है इस बीच में अगर आपको ये स्टॉक जो घूमते हुए देखने मिले तो यहाँ पे जो आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है। आपको क्या करना है, आपको जो है वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में ये स्टॉक जो है हमारा
क्रॉस हो, और फिर यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें देखनी है, किस तरह से देखनी है उसको आप जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह से आप जो सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस को जो हमने मार्क किया उसको यूज कर सकते हैं। तो समझ लीजिए ये अभी स्टॉक जो है हमारे डायरेक्ट सपोर्ट के बहुत ही करीब है। तो समझ लीजिए कल के दिन इस स्टॉक ने अपना प्री ओपन मार्केट में यहाँ पे मतलब 9 बजे से 9:15 के बीच में जो यहाँ पे प्री ओपन मार्केट होता है, जो आप NSE के वेबसाइट में देख सकते हैं, वो यहाँ पे आयशा मोटर किस तरह से परफॉर्म करता है, क्या ये अगर गैप डाउन में ओपन हुआ तो यहाँ पे आपको क्या देखने मिल सकता है, यहाँ पे मैं आपको कह दूँ। अगर समझ लीजिए इस स्टॉक में कल के दिन जो है प्री ओपन मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग दी और 2523 के नीचे यहाँ पे ओपनिंग हुई, तो यहाँ पे तुरंत ही आप क्या करोगे, आप यहाँ पे वेट करोगे शुरू में ही 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में 3 रेड कैंडल का। यहाँ पे हम जो है शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, क्योंकि गैप डाउन ओपन हुआ है तो यहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो जैसे ही आपको 3 रेड कैंडल देखने मिले, आप यहाँ पे 4th कैंडल पे एंट्री लेते हुए अगला जो हमारा सपोर्ट है जो है यहाँ पे 2499 मतलब 2500 का हमारा अगला एक यहाँ पे सपोर्ट बनता है, उससे यहाँ पे जो है आप 8 पॉइंट ऊपर मतलब 2507 का जो है अपना यहाँ पे टारगेट लगा लोगे। यहाँ पे आपको डिफरेंस के साथ काम करना है, याद रखना है यहाँ पे मैं कहूँगा एक तरह से मार्जिन जो है वो अच्छा खासा है, तो यहाँ पे आप जो है इजिली उसको अचीव कर पाओगे। अगर आपको लगता है ये स्टॉक जो और नीचे जा सकता है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे 2499 एज अ हमारा एक सपोर्ट है उसको एज अ अपना एक टारगेट जो है अपने माइंड में रखोगे, अपने ऑर्डर में बिल्कुल ही प्लेस नहीं करोगे, क्योंकि आपको लगने वाला और नीचे जा सकता है तो आप वेट करोगे। आप वेट किस चीज़ का करोगे, वापस से 3 रेड कैंडल बनने का वेट करोगे इसके नीचे, क्योंकि जितनी बार भी चाहे वो सपोर्ट जोन साइड जा रहा हो या फिर रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस कर रहा हो, आपको यहाँ पे वेट करना है कंफर्मेशन कैंडल का, जो यहाँ पे डाउन साइड के लिए 3 रेड कैंडल होती है। तीसरी कैंडल को हम कंफर्मेशन कैंडल कहते हैं, 2 कैंडल हमें रेडी करती है, तो यहाँ पे समझ लीजिए 2 रेड कैंडल बनी और तीसरी कैंडल भी जो है रेड बनी, तो यहाँ पे 2478 से 8 पॉइंट ऊपर मतलब यहाँ पे आपको जो है 2486 का यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे अपना टारगेट लगा देना है। यहाँ पे ये चीज याद रखना, आपको हमेशा जो है डिफरेंस में काम तो जरूर करना है, और यहाँ पे सेकंड के लिए जाओगे तो स्ट्रिक्टली आप जो है यहाँ पे सपोर्ट ले, बिना डिफरेंस रखे हुए यहाँ पे जो है आप बिल्कुल भी ट्रेड ना करें। अब बात रही यहाँ पे, अगर समझ लीजिए यहाँ पे 2 आपको रेड दिखने मिली 2499 के बाद, तो यहाँ पे तीसरी कैंडल अगर ग्रीन बन गई तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप जो है तुरंत ही 4th कैंडल पे एग्जिट ले लोगे। क्यों? क्योंकि वहां से मार्केट जो है वो रिवर्सल जा सकता है, मतलब आपका जो है यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो कम होते जाएगा अगर रिवर्सल आया तो, और यहाँ पे मैं कहूँगा जो भी प्रॉफिट आ रहा है उसको आप बुक कर ले, क्योंकि मार्केट याद रखे कभी भी वॉलेटाइल हो सकता है, उसकी वजह से यहाँ पे आपको जो है हमेशा ध्यान से ही यहाँ पे अपना जो है ट्रेड करना चाहिए। अब बात रही यहाँ पे अपसाइड की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर समझ लीजिए कल के दिन यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुई तो इतनी बड़ी गैप अगर आपको देखने मिली तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे 2545 को क्रॉस करते हुए गैप अप ओपनिंग जो आपको देखने मिली कल के दिन स्टॉक में, तो बहुत ही बढ़िया है। आप यहाँ पे तुरंत ही शुरू में ही 5 मिनट या फिर 15 मिनट के चार्ट में वेट करोगे 3 ग्रीन कैंडल का। अपसाइड जा रहा है इसलिए हम ग्रीन कैंडल का वेट करेंगे, नीचे गया तो रेड कैंडल का। यहाँ पे आप 3 ग्रीन कैंडल का वेट करोगे, फिर तुरंत ही 4th कैंडल पे एंट्री लेते हुए 2563, यहाँ पे मैं कहूँगा गैप छोटा है प्रॉफिट का, यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही कम है, इसकी वजह से मैं कहूँगा एग्जैक्ट आप यहाँ पे हमारा जो रेजिस्टेंस जोन जो है अकला आता है, रेजिस्टेंस आता है 2563 का, उसका यहाँ पे आप टारगेट लगा दो। लेकिन अगर आपको लगता है और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप जिस तरह से मैंने नीचे के लिए कहा वैसे ही आपको ऊपर के लिए भी 3 ग्रीन कैंडल का वेट करते हुए आपको देखने मिले 3 ग्रीन कैंडल, तो 2589 से 8 पॉइंट नीचे स्ट्रिक्टली यहाँ पे आपको 8 पॉइंट का डिफरेंस रखना है, तो यहाँ पे 2581 का जो अपना यहाँ पे टारगेट बना देना। अगर आपको यहाँ पे नहीं देखने मिले, 2 ग्रीन देखने मिले, तीसरा रेड बने, तो 4th कैंडल पे मैं कहूँगा तुरंत ही एग्जिट कर जाए, क्योंकि वहां से मार्केट जिस तरह से मैंने नीचे के लिए कहा रिवर्सल जा सकता है, वॉलेटाइल हो सकता है कभी भी मार्केट। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कहूँ गैप अप ओपनिंग हुई लेकिन 2545 के ऊपर नहीं हुई, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आप वेट करोगे 2545 को क्रॉस करने के लिए। जब तक यहाँ पे क्रॉस नहीं होगा तब तक आप यहाँ पे जो है वेट करोगे, जैसे क्रॉस हुआ यहाँ पे आपको 3 ग्रीन कैंडल देखने मिले तो सेम टू सेम यहाँ पे आपको प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करना है। अब बात रही यहाँ पे आपको ये डिफरेंस जो है वो क्यों रखना है, तो यहाँ पे मैं कह दूँ स्टॉक कोई भी हो आपको जो है यहाँ पे हमेशा जो डिफरेंस को जो है फॉलो करना है, क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो हमारे ट्रेडर्स होते हैं चाहे वो बाइंग साइड हो या फिर सेलिंग साइड हो, वो जो है उनका ऑर्डर जो है उनके ऑर्डर बुक में पहले से प्लेस करके रखते हैं, और वो क्या करते हैं उनका ऑर्डर जो है वो तुरंत ही एग्जीक्यूट हो जाए, उसके वजह से चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो
या फिर रजिस्ट्रेशन साइड हो, वो जो है हमेशा अपना ऑर्डर जो है हमेशा डिफरेंस के साथ रखते, ताकि उनका ऑर्डर जो है इजीली अचीव हो जाए। तो आप भी जो उसी तरह से उन्हीं की स्मार्ट स्ट्रेटेजी यूज करते, अपना यहाँ पे जो टारगेट है उसको एक डिफरेंस में रखें, ताकि एक तो वो इजीली अचीव हो जाए, और दूसरी बात यहाँ पे क्या होता है कभी कभी एक प्राइस पॉइंट पे जो हमारे ट्रेडर्स जो है ज़्यादा क्वांटिटी के साथ यहाँ पे बाइंग सेलिंग करते हैं, और बाइंग सेलिंग ज़्यादा करने की वजह से, क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो स्टॉक है, चाहे वो सपोर्ट जोन साइड में जा रहा हो या फिर रेजिस्टेंस जोन साइड में जा रहा हो, वो जो है एग्जैक्ट वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है, उसी से पहले ही मिडल में ही आपको जो रिवर्सल देखने मिल जाता है। इसकी वजह से यहाँ पे ये जो रिवर्सल आता है, तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने कहा आपको जो है लॉस जो बुक में यहाँ पे प्रॉफिट दिखने मिलता है वो कम होते रहता है, तो यहाँ पे आप उसको अवॉइड करोगे डिफरेंस रखते हुए। कैसे? क्योंकि यहाँ पे आपने पहले से डिफरेंस के साथ अपना टारगेट रखा था, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे रिवर्सल आने से पहले ही जो है अपना यहाँ पे आपने टारगेट जो उसको हिट कर लिया, मतलब प्रॉफिट जो आपने रिवर्सल आने से पहले ही जो अपने बुक में बुक कर लिया। तो इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा रिवर्सल का जो लॉस है उससे आप पूरा का पूरा बच पाओगे डिफरेंस से। ये दो बहुत ही बढ़िया फायदे होते हैं आपको यहाँ पे डिफरेंस रखने के। इसकी वजह से यहाँ पे मैं कहूँगा डिफरेंस के साथ हमेशा काम करें। अब बात नहीं यहाँ पे आपको डिफरेंस किस तरह से डिसाइड करना, तो यहाँ पे मैं कह दूँ ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर आप चार्ट को जो है अच्छी तरह से देख रहे हो, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा स्टॉक का प्राइस और उसका प्राइस डिजिट देखते हुए कि किस तरह से जो आपको यहाँ पे डिफरेंस रखना है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉक का प्राइस है करेंटली 2500, डिजिट है 4। तो इस स्टॉक में आपको 8 से 16 पॉइंट का, 8 टू 16 पॉइंट्स का जो इस स्टॉक में आपको इजीली फ्लक्चुएशन जो देखने मिल जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे मैं आपको मिनिमम जो यहाँ पे 8 पॉइंट का डिफरेंस है वो रखने की बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ पे सेफ खेलना चाहें तो यहाँ पे आप 10 पॉइंट का, 12 पॉइंट का या फिर 16 पॉइंट का भी डिफरेंस रख सकते हैं। वो डिसीजन जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अगर आप मिनिमम भी रखोगे तो भी वो इजीली अचीव हो जाएगा, यहाँ पे कोई इशू आपको नहीं आएगा। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में कल के लिए, तो कल यहाँ पे मैं कह दूँ कल यहाँ पे ऐसा लगता है कि कल ये स्टॉक जो आपको 2545 से लेकर 2563 के बीच में आपको कल के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है, इवन 2563 के ऊपर जाते हुए देखने मिलेगा, लेकिन क्लोजिंग यहाँ पे ऐसा लगता है 2545 से लेकर 2563 के आपको बीच में देखने मिल सकती है। कल यहाँ पे इसकी जो प्री ओपन मार्केट है, मतलब किस तरह से ओपन हो रहा है, गैप अप ओपन हो रहा है या फिर गैप डाउन ओपन हो रहा है, उस बेसिस में यहाँ पे हमें कुछ कंफर्मेशन देखने मिलेगी। कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए यहाँ पे उसी बेसिस पे आपको भी जो अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है। बाकी यहाँ पे मेरा ओपिनियन आज के क्लोजिंग के बेसिस पे यहाँ पे ऐसा लगता है इस बीच में मतलब पॉजिटिव जो आपको कल के दिन क्लोजिंग देखने मिल सकती है। आपको क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। और अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया है तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।